सभी प्रदेशवासियों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, जो स्नेह सहयोग मुझे अपने जीवन में हिमाचल प्रदेश की जनता का मिला और उसकी वजह से मैं हिमाचल प्रदेश की जनता की सेवा करने में लगा हूं। और हिमाचल प्रदेश प्रगति की राह पर आगे बढ़े उसके लिए हम सब लोग काम करें। तो ऐसे में हाई अलर्ट पर हमने पोंग डैम, पर्टिकुलरली पोंग डैम के एरिया में ये सारी चीज़ देखने को मिली है। और हिमाचल प्रदेश के दूसरे जो हमारे जो डैम हैं या लेक हैं वहाँ पर इस प्रकार की अभी तक जो है वो पुष्टि नहीं हो पाई है इस प्रकार के संक्रमण की। और डॉक्टर्स की टीम जो है 55 उसमें कर्मचारी हैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एंड एनिमल हस्बेंड्री के, वो वहाँ पर उस काम में लगे हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि हम इसको भी जो है रोकने की परिस्थिति में हो पाए। वैक्सीन का अभिनंदन होना चाहिए, मैं देश के सभी साइंटिस्ट को डॉक्टर्स को बहुत बहुत बधाई देता हूं और विशेष तौर से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बधाई देता हूं। उन्होंने बहुत मजबूती के साथ इस काम को आगे बढ़ाया। उन्होंने क्या उसको देख लिया, लगा करके देख लिया क्या? उनको इस बात को थोड़ा धैर्य करना चाहिए। बहुत ज़रूरत से ज़्यादा राजनीतिक बात कहना, हर बात पर कहना, हर कहीं कहना, हर कुछ कहना, ये सारी चीज़ें मुझे लगता है उचित नहीं है। पिछले कुछ दिनों में लगातार नंबर जो है घटता जा रहा है और ये हमारे लिए खुशी की भी बात है। फिर भी उसके बावजूद हमारी तैयारी है, ये बहुत आवश्यक है। और कोविड के बाद हमने ये भी तय किया, जो मेकशिफ्ट हॉस्पिटल जो 4 जगह हिमाचल प्रदेश में स्थापित किए हैं, कोविड अगर समाप्त भी हो जाता है, क्योंकि वैक्सीन भी आ रही है, हम उम्मीद करते हैं और पूरा भरोसा है कि ये समाप्त हो करके रहेगा, तो उस सूरत में भी ये मेकशिफ्ट हॉस्पिटल जो है वो बहुत बड़ा योगदान हिमाचल प्रदेश में 4 स्थानों पर जो है स्वास्थ्य के क्षेत्र में देते रहेंगे। बात को हमको मान के चलना पड़ेगा कि टेक्नोलॉजी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका आज के इस युग में निभा रही है और विशेष तौर से कोविड के इस संकट में टेक्नोलॉजी ने एक बहुत सहयोग जीवन में दिया है। दुनिया को एक जगह जो है वो एक जगह बैठ करके आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं, अपनी बात कह सकते हैं, ये टेक्नोलॉजी का एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन उस दृष्टि से है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।